स्टूडेंट्स लेट अस कंटिन्यू। नाउ वी आर इन पेज नंबर 53। अब हम पेज नंबर 53 पे आ गए हैं। तो पेज नंबर 53 पे भी देखिए कुछ है एग्जांपल्स दिए हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ नाउन क्लॉजेस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो कि नाउन क्लॉजेस के हैं। हु विल गो इज नॉट सर्टेन। आज द क्वेश्चन व्हाट इज़ नॉट सर्टेन। अब यहाँ पे हम कैसे जानेंगे, हम जानने के लिए क्वेश्चन करेंगे कि हु इज व्हाट इज़ नॉट सर्टेन, यानी क्या चीज़ सर्टेन नहीं है। एंड यू गेट द नाउन क्लॉज, तब आपको वहाँ पर नाउन क्लॉज क्या है वो पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ नॉट सर्टेन, हु विल गो, यानी किसी का जाना सर्टेन नहीं है। इट एक्ट्स एज द सब्जेक्ट टू द वर्ब इज़। यहाँ पर एक्ट कर रहा है सब्जेक्ट इज़ के लिए, तो इज़ जो है वो सब्जेक्ट बताया गया है। सेकेंड है आई फॉरगॉट व्हाट यू हैड आस्क्ड मी, मैं भूल गया कि तुमने मुझे क्या पूछा था। नोइंग दैट शी वॉज अनवेल आई वेंट टू विजिट हर, ही केम टू टेल दैट द मैच वॉज कैंसल्ड। दे लिव ऑन व्हाट दे अर्न, लाइफ इज़ व्हाट वी मेक इट। अब इतने सारे एग्जांपल हैं, ऑल टुगेदर 6 एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो वो सारे के सारे एग्जांपल्स अपने को ये बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो डार्क बोल्ड में हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, दे आर ऑल नाउन क्लॉजेस। उसी के ऊपर डिपेंड करता है अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बी में आपको वही बताना है, आपको PDF थ्रू मिल जाएगा। एक्सरसाइज सी में हमें बताना है स्टेट विद द वर्ड्स इन बोल्ड फॉर्म अ नाउन क्लॉज और ए नाउन फ्रेज। अब ये एक्सरसाइज सी में आपको बताना है कि जो बोल्ड में लेटर्स दिए हैं या बोल्ड में वर्ड्स दिए हैं वो नाउन फ्रेज हैं या नाउन क्लॉज हैं। तो ये भी आपको PDF थ्रू मिल जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है वो हम देखेंगे। अ क्लॉज दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस इज क्लॉज एन एडजेक्टिव क्लॉज। जो एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में काम करता है उसे हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। अब एडजेक्टिव क्या है, आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को डिफाइन करे। इट इज़ ऑफन अ रिलेटिव क्लॉज डिस्क्राइबिंग सम नाउन और प्रोनाउन, यानी जो नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड या उसकी क्वालिटीज़ या उसके बारे में कुछ हमें बताए वो हो गया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। द एडजेक्टिव क्लॉज कैन क्वालिफाई एनी नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस एंड इज प्लेस्ड नियरेस्ट टू द वर्ड इट क्वालिफाइज। अब एडजेक्टिव का काम यही होता है कि वो क्वालिफाई करे नाउन या प्रोनाउन की क्या हरकत है सेंटेंस में, या फिर उसके नियरेस्ट जो वर्ड है वो क्या क्वालिफाई कर रहा है उसको बताएं। एग्जांपल देखते हैं, द गर्ल हु इज़ सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच इज माय सिस्टर। अब गर्ल जो कि लास्ट बेंच पे बैठी है मेरे साथ वो मेरी सिस्टर है। तो यहाँ पे हु इज़ सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये नाउन द गर्ल के बारे में हमें बता रहा है, उसकी क्वालिटीज़ को डिफाइन कर रहा है कि वो लास्ट बेंच पे बैठी है। तो इस तरह अब हम एडजेक्टिव को जानने के लिए हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होगा, एडजेक्टिव इसके फीचर्स दिए हुए हैं। देखें तो फीचर्स हम देखेंगे। एन एडजेक्टिव क्लॉज डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन। इसकी सबसे ज़्यादा खासियत ये होती है कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज़ को डिस्क्राइब करता है। इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय हुज़, होम, हु, विच और दैट। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, हम उस सेंटेंस से रिलेटेड हुज़ यानि किसका, होम यानि कौन, हु यानि कौन एंड विच माने किसका और दैट माने वो बहुत दूर जो चीज़ होती है वो। तो इस तरीके से किसका, किसके विरुद्ध, किसके द्वारा, इस तरह से जो हिंदी में वर्ड आते हैं वो हमको अपने इस सेंटेंस से रिलेटेड पूछने होंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि वो एडजेक्टिव है। एन एडजेक्टिव क्लॉज शुड बी प्लेस्ड अ क्लॉज एज पॉसिबल टू द नाउन इट डिस्क्राइब्स। हमें एडजेक्टिव क्लॉज को जानने का एक और तरीका पता चलता है कि वो नाउन के आसपास ही रहेगा जी, क्योंकि वो नाउन की क्वालिटीज़ के बारे में बताता है। द इंट्रोड्यूसिंग वर्ड ऑफ सच ए क्लॉज मे बी ओमिटेड समटाइम्स। कई बार इस तरह के वर्ड्स को ओमिट किया जाता है, यानी कि कई बार ऐसे सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स छोड़ दिए जाते हैं, जैसे दिस इज़ द बैग यू आर आस्किंग फॉर, हियर दैट इज़ ओमिटेड। अब यहाँ पे हियर दिस इज़ द बैग दैट यू वेर आस्किंग फॉर ऐसा आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दैट को ओमिट कर दिया गया, यानी दैट को इन लोगों ने छोड़ दिया है।